नमस्कार, प्रिंस पीडिया में आपका स्वागत है। आज खबर एक ऐसे दूल्हे की जिसे दुल्हन नहीं हवालात मिली। मामला हरियाणा के करनाल जिले के असन शहर का है, जहां उस वक्त हंगामा बरपा गया जब दूल्हे ने ज्यादा रकम की मांग करते हुए दहेज में दिए 4 लाख के चेक को फाड़कर दुल्हन के भाई के मुंह पर दे मारा। कुछ समय तक तो वधू पक्ष अवाक रह गया और बाद में दूल्हे सहित अन्य रिश्तेदारों को पैलेस में ही बंधक बना दिया और दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने दूल्हे व उसके जीजे सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर दूल्हे को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि असंद के बसी गांव के पंजाब सिंह की लड़की की शादी पिहेवा के मैसी गांव के पंजाब सिंह के साथ तय हुई थी। वधु पक्ष ने अपनी हैसियत के अनुसार बारात की खूब आवभगत की। दहेज में स्वर्ण आभूषणों सहित अन्य सामान भी दिया गया। विदाई के वक्त दूल्हे ने बड़ी कार की मांग कर दी। ऐन मौके पर कार उपलब्ध न होने की वजह से वधु के भाई ने 4 लाख का चेक काटकर दूल्हे को भेंट किया। दूल्हे ने रकम को नाकाफी बताते हुए चेक को मौके पर ही फाड़ दिया और वधु के भाई के मुंह पर दे मारा। मेरा नाम है जी कमलजीत सिंह। की वाक्य है सर? सर लड़की की शादी सी जी, दो की शादी थी। हाँ जी। और एक को तो जी अल्टो LX हमने दी और दूसरों ने बड़ी गाड़ी की डिमांड करी। हमने कहा कि इन गाड़ी तो वही देंगे जो करानी पड़ती है, और हमने कहा भी जो उनको दिया ना उतने आपको पैसे दे देते हैं। और हमने चेक भी दिया, फालतू चेक दिया, और लड़के ने वहां पर ही जब डोली का टाइम था तो बरात जाने वाली थी तो उसने चेक फाड़ के लड़की का जो भाई था उसके मुंह पे मारा कि मुझे ये नहीं चाहिए, और 15 लाख की डिमांड करने लगा। अचानक दूल्हे द्वारा की गई इस हरकत से वहां मौजूद लोग अवाक रह गए। देखते ही देखते पैलेस में हंगामा बरपा गया। दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया और मौके पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दूल्हे व उसके जीजा को थाने में ले गई। थाने के बाहर लोगों का हजूम लग गया और देखते ही देखते किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने पंजाब सिंह दूल्हे के खिलाफ, उसके जीजे के खिलाफ, बहन व भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। सर एक केस आया सर अभी, सर क्या है सर? ऐसा है केस तो थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके परिणाम स्वरूप ही ये केस दर्ज हुआ है। हमारे यहाँ मन्नत पैलेस है, एक मैरिज पैलेस है, वहाँ बारात आई हुई थी नेसी जी सर, थाना इस्माइलाबाद जिला कुशेखपुर से, और दूल्हा था पंजाब से। ठीक है, यहाँ बारात हुई थी हमारी जी एक लड़की थी, ये उसके पिताजी का नाम भी पंजाब सिंह ही है, और डेरा बसई चौगामा के पास इनका डेरा। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक कहीं इनमें कोई दहेज की कार लेने की मांग करने लगी दूल्हे पक्ष की तरफ से। ठीक है, तो वो कार अवेलेबल वो देना चाहते थे, अवेलेबल नहीं है उसकी किसी एजेंसी से तुरंत, तो उन्होंने 4 लाख का चेक दिया जो लड़की के पिताजी बता रहे हैं। तो उत्तेजना में या पता नहीं क्या कारण रहा, उन्होंने गुस्से में आगे फाड़ दिया, लड़के ने चेक फाड़ के फेंक दिया, तो फिर तनाव उत्पन्न हो गया। लड़की कहने लगी भाई मैं नहीं जाऊंगी किसी कीमत पे भी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, और उसके बाद इनके पुलिस पहुंच गई थी, थोड़ा वहां जो बरात वरात को निकाल निकल दिया। तो फिर लड़के वाले पक्ष ने, जो लड़के पिताजी ने, उन्होंने पक्ष ने आगे अपना लिखित शिकायत प्रदान करी है दहेज मांगने की, इस पर अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है, दूल्हा पंजाब सिंह, उसकी माँ, उसकी बहन और जीजा, 4 लोगों के विरुद्ध। ठीक है, तो अभी मुकदमा दर्ज करेंगे और दूल्हे को गिरफ्तार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।